यूनिट टू इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एडवांस्ड द लर्निंग आउटकम्स एनालाइज डेटा यूजिंग सिनारियोज एंड गोल सीक। ये पहला लर्निंग आउटकम है जो इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। इसके प्रैक्टिकल पार्ट्स के प्रैक्टिकल्स करके देखेंगे किस तरीके से डेटा को कंसोलिडेट किया जाता है, सब टोटल कैसे निकालते हैं, व्हाट इफ सिनारियो क्या होता है, व्हाट इफ टूल्स क्या होता है, गोल सीक और सॉल्वर का हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट पर काम करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी ओपन ऑफिस कैल्क की। ओपन ऑफिस सूट का ये दूसरा एप्लीकेशन है। इससे पहले हमने डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन के लिए ओपन ऑफिस राइटर को स्टडी किया था। अभी हम स्टडी करने वाले हैं ओपन ऑफिस कैल्क। इसके लिए आप अपने स्टार्ट ऑप्शन पर जाएंगे, CALC टाइप करेंगे, ओपन ऑफिस कैल्क लिखा हुआ नजर आएगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। अभी जो स्क्रीन आपको सामने नजर आ रही है ये ओपन ऑफिस कैल्क की स्क्रीन है जो बिल्कुल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की तरह लगती है और इस पे हम वही सारे काम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जो हम एक्सेल पे करते हैं, स्प्रेडशीट पर करते हैं। ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है, बस ये ओपन ऑफिस की एप्लीकेशन है, फ्री एप्लीकेशन है, इसके लिए कोई आपको चार्ज देना नहीं होता और इजी टू अंडरस्टैंड है। तो हम अपने टॉपिक को कवर करने के लिए कंसोलिडेशन है, तो सबसे पहले कंसोलिडेशन को समझने के लिए हमने एक फाइल आपके लिए ऑलरेडी क्रिएट करके रखी है ताकि वीडियो को कंप्लीट करने में ज्यादा टाइम ना लगे। तो हम उस एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे कंसोलिडेट कैसे काम करेगा। सामने जो शीट आप देख रहे हैं इसमें कुछ डेटा है, लाइक 2018 में रवि, राहुल और दीपक ने कितने टॉयज सेल किए, कुछ भी हो सकता है, हम एक एग्जांपल मान के चलते हैं। अप्रैल में कितने, मई में कितने, जून में कितने, ऐसे ही 2019 में अप्रैल में कितना, मई में कितना, जून में कितना। तो ये एक डिटेल्ड आ गई और अब हम इसका टोटल चाहते हैं। यहाँ राइट साइड पर आप चाहें तो ये टोटल किसी नेक्स्ट शीट पर भी ले सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। उससे पहले हम यहाँ पर सीखेंगे रेंज। रेंज क्या होती है? आप मान लीजिए मैंने ये सिंगल सेल सेलेक्ट किया है तो ये F कॉलम पे 6 है, तो इस कॉलम का, इस सेल का नाम हो गया F6। ऐसे ही अगर आप एक से ज़्यादा जब सेल सेलेक्ट कर लेते हैं, मान लीजिए ये F6 से शुरू हुआ और H8 तक गया, तो आपके यहाँ नेम बॉक्स में देखिए लिखा आ रहा है F6:H8, यानी कि ये इस रेंज का नाम हो गया। तो आप रेंज का नाम कुछ और भी दे सकते हैं। अब हम यहाँ पर दो रेंज बनाते हैं और उस रेंज में डेटा को पुट करेंगे। तो मैंने यहाँ से इसको सेलेक्ट किया जिसमें हमने अप्रैल, मई, जून कॉलम जो रोज हैं वो ले लिए हैं, रवि, राहुल, दीपक की, और अप्रैल, मई, जून कॉलम ले लिए हैं। A2 से D5 ये इसकी रेंज है। हम इसका नाम बदल देते हैं, हम यहाँ इसका नाम रखते हैं रेंज 1। ऐसे ही 2019 के लिए हम रेंज को सेलेक्ट करते हैं F2 से I5 तक, इसका नाम दे देते हैं हम रेंज 2। अब ये जो डेटा है रेंज 1 और रेंज 2 ये हमने रेडी कर लिया है। अब हम डाटा ऑप्शन पर जाएंगे, डेटा में हमें मिलेगा ऑप्शन कंसोलिडेट, कंसोलिडेट पर क्लिक करेंगे। तो ये है डेटा कंसोलिडेट के लिए कंसोलिडेट डायलॉग बॉक्स जहां पर आप सम फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं, काउंट, एवरेज, मैक्स, मेन, प्रोडक्ट, काउंट, STDEF, STDEFP। तो ये अभी हम केवल सम फंक्शन को लेके चलते हैं, बेसिक फंक्शनैलिटी समझते हैं कि हम कंसोलिडेट कैसे करते हैं। तो हम चाहते हैं कि इनका टोटल क्रिएट हो जाए, तो पहले यहाँ पर आता है सोर्स डेटा रेंज और उसके साइड में एक और ऑप्शन है, आप श्रिंक भी कर सकते हैं यहाँ से, यानी आप यहाँ पर क्लिक करके रेंज बना भी सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा $A$8, $F$11, यानी A8 से F11 तक का डेटा, तो ये एक रेंज सेलेक्ट हो गई है, फिर आपको उसे ऐड करना होता है। लेकिन अगर हम पहले से ही रेंज बना के रखें तो हम यहाँ पर सोर्स डेटा रेंज, देखिए हमने रेंज 1 और रेंज 2 बनाई थी, तो रेंज 1 हमने ली, ऐड कर दी, उसके बाद हमने सोर्स डेटा रेंज में रेंज 2 ली, यानी दूसरी कौन सी रेंज है। आप 2 से ज़्यादा रेंज भी यहाँ पे ले सकते हैं, तो ये दोनों रेंज हमने सेलेक्ट कर लिए हैं। अब हमें आउटपुट किस रेंज पर चाहिए, तो आउटपुट के लिए हमने कोई रेंज नहीं बनाई है, हम आउटपुट के लिए एक सिंगल सेल ले लेते हैं। मान लीजिए हमने ये सेल ले लिया यहाँ पर B8, और अब हमने नीचे मोर ऑप्शन पर जाते हैं, रो लेबल, कॉलम लेबल और लिंक टू सोर्स डेटा, तीनों को अनेबल करते हैं। अब हम तीनों का मतलब भी समझेंगे क्या मतलब है। रो लेबल का मतलब हुआ कि आपकी जो राहुल, रवि, दीपक ये रोज नजर आ जाएं, इसके अकॉर्डिंग डेटा कैलकुलेट हो, अप्रैल, मई, जून मंथ वाइज कैलकुलेट हो जाए, और लिंक भी रहे वो सोर्स डेटा के साथ में, ताकि अगर ऊपर कोई चेंजेस हों तो नीचे भी वो चेंजेस रिफ्लेक्ट हों। हम ओके करते हैं। अब आप देखिए हम इसका मंथ का थोड़ा सा जो वेर्थ है कॉलम की वो इंक्रीज कर देते हैं। अब यहाँ पर ये रो वाइज भी डेटा आपका कैलकुलेट हो गया, कॉलम वाइज भी कैलकुलेट हो गया है। अब हम इसका टोटल देखते हैं कि यह सही टोटल आ रहा है क्या। अब आप देखिए अप्रैल में 50 थे रवि के, यहाँ 2019 में अप्रैल में 55 थे, तो 50 और 55 दोनों का टोटल यहाँ आ गया। ऐसे मई का आ गया, जून का आ गया,
ऐसे ही राहुल का भी, दीपक का भी आ गया। तो हमने रो वाइज और कॉलम वाइज दोनों वाइज कर लिया। अब हम यहाँ पर डेटा चेंज करते हैं, मान लीजिए हम यहाँ अप्रैल की 55 को 50 कर देते हैं। तो देखिए यहाँ नीचे ऑलरेडी 100 हो गया है। तो ये एक कंसोलिडेशन है कि आपका डेटा लिंक भी हो गया है। इधर आप लेफ्ट साइड में देखेंगे प्लस बटन भी है, जैसे ही प्लस बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए रवि की डिटेल्स आनी शुरू हो गई शीट वन के अंदर। शीट वन के अंदर दो डेटा आ गए। ऐसे ही नेक्स्ट फिर आपकी राहुल की आ गई, उसके बाद फिर आपका दीपक का डेटा आ गया। तो आपको यहाँ पर रो वाइज भी डेटा का कलेक्शन सेग्रीगेट होकर नजर आ रहा है। तो ये एक अच्छा तरीका है डेटा को कंसोलिडेट करने का। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो ये था हमारा यूज कंसोलिडेट डेटा। अब आते हैं क्रिएट सब टोटल। सब टोटल कैसे करेंगे? तो सब टोटल के लिए हमारे पास एक शीट है और उस शीट पर हम चलते हैं। ये है हमारे सब टोटल को समझने के लिए, हमने ये पहले से आपके लिए क्रिएट करके रखी हुई है। आप अपने हिसाब से कुछ भी बना सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ डेट्स डाली हैं, कुछ आइटम के नाम लिखे हैं, हमने उन सेलर के नाम लिखे जिनसे हम ये सामान खरीदते हैं और हम कितना कितना लेते हैं क्वांटिटी लिख दी है। अब सब टोटल क्या करेगा, ये एक तरीके से ग्रुपिंग करेगा। मान लीजिए अब कीबोर्ड है, यहाँ पर कीबोर्ड परचेज हुआ 17 तारीख को, 18 तारीख को कीबोर्ड दीपक एंटरप्राइजेस से लिए गए 10, फिर टेक्नोकॉम से खरीदे गए 4। ऐसे ही फिर आपके माउस आ गए, पेन ड्राइव आ गई। तो ये कुछ सामान है जो हमने खरीदे, लेकिन अगर हम इनका टोटल करना चाहें कि मेरे पास टोटल कीबोर्ड कितने हैं, तो मुझे अलग अलग देखना पड़ेगा भी ये 10 और 4 को मल्टीप्लाई करो, फिर माउस के देखने तो माउस को मल्टीप्लिकेशन करो, देन पेन ड्राइव को मल्टीप्लिकेशन करो। तो ये सारी चीज़ें मुझे करनी पड़ेगी। तो उसका सबसे अच्छा तरीका क्या है कि हम अगर किसी चीज़ को समराइज करना चाहते हैं, मान लीजिए हम यहाँ पर एक या दो एंट्री और बढ़ा लेते हैं, हम लिखते हैं कि हमने 20/4/2020 को एक कीबोर्ड आइटम को परचेज किया और उसको हमने परचेज किया टेक्नोकॉम से और हमने उसके 7 पीस परचेज किए। तो ये एक एंट्री हमने डाल दी। ऐसे हम यहाँ पर कोई और एंट्री भी लिख सकते हैं, मान लीजिए 21 तारीख को हमने एक माउस परचेज किया, माउस को हमने रवि कॉम से खरीदा और हमने 4 माउस खरीदे। अब हम एक टोटल क्रिएट करते हैं। तो अभी इसके लिए हमें करना क्या होगा, हम यहाँ पर ये रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं, डेटा पर जाते हैं, सब टोटल पर क्रिएट करते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर लिखा है फर्स्ट ग्रुप, हमें किसके लिए डेटा चाहिए। हम कहते हैं हमें जो डेटा है वो आइटम वाइज चाहिए, यानी हम आइटम वाइज ग्रुप करना चाहते हैं। लेकिन क्या ग्रुप करना चाहते हैं, क्या सब टोटल करना चाहते हैं, हम क्वांटिटी को सब टोटल करना चाहते हैं। किस फंक्शन के साथ, सम फंक्शन के साथ। तो जैसे कंसोलिडेट में सम के अलावा और भी फंक्शन है, ऐसे ही आप यहाँ पर और भी फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अभी हम बेसिक फंक्शनैलिटी को समझ रहे हैं सम के साथ। दोबारा समझते हैं, हमने यहाँ पे ग्रुप बाई में लिया आइटम, यहाँ पे चारों फील्ड आ रही हैं, डेट, आइटम, सेलर, क्वांटिटी। हमें आइटम वाइज मान लीजिए चीज देखनी है, लेकिन क्वांटिटी पता करनी है। और हम जैसे ही इसे ओके करते हैं, अब आप देखिए कीबोर्ड का सम आ गया, जो कीबोर्ड की एंट्री हमने लास्ट में की थी वो भी यहाँ ग्रुप होकर के आ गई कि भाई दीपक से, टेक्नोकॉम से, टेक्नोकॉम से कितने खरीदे गए, टोटल 21 कीबोर्ड्स परचेज हुए, माउस हमने 16 खरीदे, पेन ड्राइव हमने 11 खरीदी और ग्रैंड टोटल 48 खरीदा। तो ये एक अच्छा तरीका है कि हम डेटा को एक समराइज वे में देख पाते हैं। तो सबसे बेस्ट तरीका हो गया सब टोटल करने का कि ग्रुप वाइज आप डेटा चेक कर सकते हैं। अब मान लीजिए ये तो आपका ग्रुप वाइज हो गया आइटम, हम डेटा पर जाते हैं, सब टोटल पर जाते हैं। अभी अगर हमें देखना हो कि भाई सेलर से हमारे पास क्वांटिटी कितनी आ रही है, सेलर का मतलब हुआ जैसे मान लीजिए दीपक एंटरप्राइज से हमने कितना सामान लिया है, तो अब हम सेलर को लेते हैं, सेलर वाइज क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं। तो अब देखिए कि दीपक एंटरप्राइज से हमने 13 आइटम खरीदे, रवि कम्युनिकेशन से 14 आइटम खरीदे और उन 14 आइटम में भी माउस कितने, पेन ड्राइव कितनी, जो जो हमने सामान खरीदा उसकी हमारे पास ग्रुप बाई होकर के एंट्री आ गई। तो ये है सब टोटल। सब टोटल को हम अलग तरीके से भी देख सकते हैं, इसमें हम ग्रुप 3 तरीके से भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं। मान लीजिए हम डेटा पर गए, सब टोटल पे क्लिक किया, ये पहली डिटेल थी जो हमने सेलर और क्वांटिटी की ले ली। मान लीजिए सेकंड ग्रुप में हमने आइटम और क्वांटिटी ले ली है, आप थर्ड ग्रुप भी जा सकते हैं, 3 ग्रुप मैक्सिमम इसमें बन सकते हैं। अब फर्स्ट ग्रुप में हमने सेलर और क्वांटिटी ली है, सेकंड ग्रुप में हमने आइटम और क्वांटिटी को टोटल कर रहे हैं हम, कि आइटम वाइज ग्रुप करेंगे और क्वांटिटी करेंगे। अब जैसे हम ओके करते हैं
तो अब आप देखिए हमारा जो सब टोटल है वो दो तरीके से आ गया है, एक आइटम वाइज आ गया है, एक सैलर वाइज आ गया है। तो ये एक अच्छा तरीका है कि आइटम वाइज भी सैलर वाइज भी दोनों तरीके से ग्रुप करके सब टोटल दिखाना, कि कीबोर्ड का सम कितना हुआ 10 हो गया, पेन ड्राइव्स का सम कितना हो गया 3 हो गया, दीपक एंटरप्राइजेस ने टोटल जो हमने सामान लिया उसके अंदर भी ग्रुपिंग करके इसने दिखा दिया। तो ये एक तरीका है कि आप सब टोटल को इस तरीके से भी मैक्सिमम तीन ग्रुप में तीन तरीके से फिल्टर करके ग्रुप बाय करके टोटल चेक कर सकते हैं। इससे आगे के टॉपिक जैसे यूज व्हाट इफ सिनेरियोस, व्हाट इफ टूल्स, गोल सीक एंड सॉल्वर, इसके लिए हम अगली वीडियो पर जाएंगे। अभी इस वीडियो में इतना ही कॉन्सेप्ट कवर करते हैं।